गाइस, हम आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली के रहने वाले तथा इन हाईवे पर गुजरने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ बुलंदशहर हाईवे तथा NH 24 पर आने वाले समय में वाहनों का दबाव बढ़ेगा। इस दबाव को कम करने के लिए NHI ने गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे केंद्रीय मंत्रालय ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। अब जल्द इसे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि NHI ने यह प्रस्ताव तैयार करके भेजा था, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे को बिजौली गांव के पास से ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। यह लिंक एक्सप्रेसवे 2 किलोमीटर लंबा और 8 लेन चौड़ा होगा। मेरठ का यह बाहरी क्षेत्र आने वाले समय में भारी यातायात का केंद्र होगा। कई हाईवे और एक्सप्रेसवे के चलते वाहनों का अत्यधिक दबाव होगा। इसके लिए इस लिंक एक्सप्रेसवे को 8 लेन से चौड़ा बनाया जाएगा। मेरठ के भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने इस लिंक एक्सप्रेसवे की सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद कमिश्नर सुरेंद्र सिंह से मिलकर इस संबंध में चर्चा की थी। सांसद ने बताया कि जल्द इस लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिन्हें हम हापुड़ और अन्य शहरों का सफ़र बिना मेरठ तय करना होगा। वे बाहर बाहर ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे पर चले जाएंगे। तो गाइस, आपने जाना कि गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने के लिए एक लिंक रोड बनाया गया है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यह वीडियो हमारा आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।